कच्चे आम का कुच्चा, कुच्चा वाला अचार जो होता है वो। और आइए दिखाते हैं कैसे बनाते हैं। तो आंधी में तो वही उसी आम को बनाया। सारा हो गया है, जा रहे हैं धूप में सुखाने। धूप में सुखाएंगे पहले इसको हल्का सा, इसमें जो पानी लगा होगा थोड़ा सा बहुत, तो सबसे पहले इसमें हम जा रहे हैं धूप लगाने। देखिए थोड़ा सा धूप लग गया है कुच्चा में, आम का जो घास का पैकेट हम रखेंगे इसमें हल्दी, उसके बाद रखेंगे मिर्ची पाउडर, नमक, इसको हम अच्छी तरह से मिला देंगे, उसके बाद रोकेंगे। कुच्चा को रख दिए हम धूप में, और उसके बाद कल उसका फिर मसाला लगेगा उसमें, एक दिन धूप लगेगा कम से कम, फिर कल मसाला का काम होगा। रखने के बाद फिर एक दिन के बाद तेल, मतलब तीन दिन लग जाएगा यहाँ चार सौ में, तो उसके एक दिन के बाद तेल रख देंगे, उसके बाद वो हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद बीच बीच में धूप लगाते रहेंगे। कुचा में मसाला रखने जा रहे हैं, एक दिन हो गया है, सूख गया अच्छे से, तो पानी सूख गया, अब हम जा रहे हैं उसे मसाला रखें। पाउडर उसको मिलाकर फिर से छोड़ देंगे एक दिन के लिए। इसमें हम रख दिए हैं मसाला, राई का पाउडर और पंचफोरन का पाउडर। अब इसको हम एक दिन के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, उसके बाद फिर हम इसको कल रख देंगे डिब्बा में बर्तन। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल। कुच्चा जो बनाए थे आम का वो हो गया है तैयार तेल में रखने के लिए। तो आइए दिखाते हैं कैसा हुआ है। ये देखिए कैसा हुआ है, एक दिन के लिए इसको मसाला रखने के बाद एक दिन के लिए धूप में रखे थे, तो कैसा हुआ है देखिए। रखेंगे तेल, ये जो गरम किए थे हो गया है वही तेल। इसमें हम कभी कभी धूप लगा देंगे, लगाते रहेंगे एक दो बार। ये हो गया तैयार कुच्चा खाने के लिए।